दोस्तों टाइगर थ्री को लेकर फैंस का काफी दिनों से इंतजार था। इसको लेकर फैंस का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर मच अपेटेड फिल्म 12 नवंबर को रिलीज होगी, इसलिए फिल्म की आज से टिकट खिड़की एडवांस बुकिंग में खुल गई है। ये फिल्म हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी। फिल्म का पहला शो 12 नवंबर सुबह 7 बजे से पूरे देश में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का निर्देशन मनीष शर्मा ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान एक रो एजेंट की भूमिका में है। इससे पहले भी सलमान खान दोनों पार्टों में रो एजेंट की भूमिका प्ले कर चुके हैं। वहीं कैटरीना कैफ ने उनकी वाइफ जोया का रोल निभाया है। इस फिल्म में इमरान हाशमी एक विलेन के रोल में नजर आएंगे। दोस्तों विदेशों में यह फिल्म एक दिन पहले रिलीज होगी। विदेशों में फिल्म को 11 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। दोस्तों टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में यह फिल्म पहले ही दिन की एडवांस बुकिंग में गदर 2 और पठान जैसी फिल्मों को खूब काट रही है। फिल्म अपने पहले दिन से ही बड़ी अच्छी खासी एडवांस बुकिंग शुरू कर रही है। फिल्म को रिलीज होने में अभी 7 दिन बाकी है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म एडवांस बुकिंग में 15 से 16 करोड़ की कमाई कर लेगी और गदर 2 पठान जैसी फिल्मों को नीचा दिखाएगी। दोस्तों फिल्म की एडवांस खिड़की पर ऑडियंस की नजर अच्छी पड़ रही है। फिल्म अपने पहले ही दिन से खूब कमाल कर रही है। अब इंतजार है तो फिल्म के थिएटर में उतरने का और खूब तहलका मचाने का, क्योंकि इससे पहले आए टाइगर सीरीज के दोनों पार्टों को खूब पसंद किया गया था। फिल्म के पहले दोनों पार्टों में भी सलमान खान ने रो एजेंट की भूमिका निभाई थी। एक बार फिर से टाइगर 3 में सलमान खान रो एजेंट बने हैं। दोस्तों सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 का हर दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को भी लाइक कर दें।